ये जो है आपके रेफरेंसेस हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ रेफरेंसेस आपके जो है वो ठीक हैं, मगर यहाँ जर्नल की कैटेगरी में अगर आप देखें ये यहाँ पे तो काफ़ी सारी ये वाले इतने से आर्टिकल भी हैं जिनमें जनरल नेम मिसिंग है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं वॉल्यूम की कैटेगरी में तो मुझे नहीं पता आपने जनरल दिखाया नहीं, ये पहले मैं जनरल की कैटेगरी में दिखा दूँ तो ये जनरल की कैटेगरी में नज़र आ रहे हैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक जनरल नेम रेफरेंसेस में मिसिंग है, ठीक है। फिर आप वॉल्यूम की कैटेगरी में आ जाएँ तो वॉल्यूम में ये है कि वॉल्यूम नंबर के हिसाब से यहाँ से लेकर और यहाँ तक रेफरेंसेस में वॉल्यूम नंबर मिसिंग है, ठीक है। फिर आप वॉल्यूम नंबर जब मिसिंग है तो इशू नंबर भी मिसिंग है, ये इस तरह की शेप बनती है, ठीक है। ये आथर नेम, ईयर, टाइम और ये जर्नल, ठीक है, और ये वॉल्यूम और ये चीज़ें होनी चाहिए। अब देखें ये हैंडबुक ऑफ पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन कोई जर्नल नहीं होता, जहाँ तक मुझे लगता है ये कोई हैंडबुक है। तो ये सारे आपको उसके टाइप ऑफ आर्टिकल क्या है, जर्नल क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मैंने देखी थी। अब ये देखें ये टाइटल नंबर नज़र आ रहा है, अब ये कोई टाइटल नहीं है नज़र आ रहा है, ये जो है ये मुझे लग रहा है कि क्या नाम है, ये आथर नेम है ये, ठीक है। ये हर्ज़बर्ग का कोई है मोटिवेशन टूर, और ये जर्नल नहीं है, ये कोई ये देखें न्यूयॉर्क लंदन कोई जर्नल नाम नहीं है, ठीक है। ये कोई बुक है दी मोटिवेशन टू वर्क, मगर आपने इसको जर्नल आर्टिकल के तौर पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रेफरेंस भी आपका मुझे गलत नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे आप देखें ये जो चीज़ है ये मैंने ठीक इस तरह काफ़ी सारे किए हैं। मैं ये शिफ्ट F3 दबाता हूँ, शिफ्ट और ये यहाँ पे शिफ्ट और F3, शिफ्ट F3 दबाता हूँ तो ये यहाँ ऐसे हो जाता है, तो फिर आप कंट्रोल एस कर दें तो ये आपका काम चल सकता है, ठीक है। अगेन इसमें देखें कि ये कोई थीसिस मुझे लग रहा है, हाँ यहाँ लिखा हुआ भी थीसिस ही है, खैर तो ये भी ठीक है, इसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। तो उस तरह के ये नाम जो है ना, ये देखें ये ब्रोम वाला आ रहा है, ये नाम इसके आपके ये सिर्फ फर्स्ट जो लेटर है ये होना चाहिए आपका कैपिटल में, बाकी आपके कैपिटल नहीं होने चाहिए। तो ये इस तरह हम जायज़ा लेते होते हैं कि हमारे रेफरेंस में कहाँ गड़बड़ है। मैंने आथर्स के हिसाब से चेक की है तो मैंने देखा कि सिंगल आथर रहने वाले लोग पहले से मौजूद हैं काफ़ी सारे, जिस तरह यहाँ पे रहमान नज़र आ रहा था, रहमान के ये तीन आथर हैं रहमान नाम के, तो यकीनन ये जो फिर U.रहमान और S.रहमान और R.रहमान आ रहा था ये इस वजह से आ रहा था, तो क्योंकि ये फिर मसला इस तरह बनता है। तो ये सारे जो हैं आपके ये जो चेक करने की ज़रूरत है, आपने 2020 के भी काफ़ी आर्टिकल डाले हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके आर्टिकल जो हैं ये 2020 के हैं। मगर जो चीज़ और मुझे प्रॉब्लम कर रही थी और वो ये है कि अगर हम देखें ना ये जो जनरल नेम के हिसाब से, ठीक है, तो जनरल नेम के हिसाब से मैंने ये देख रहा था कि काफ़ी सारे आपके आर्टिकल ऐसे हैं जो कि गैर पॉपुलर जर्नल्स के हैं, ठीक है। अब ये देखें ये यूरोपियन जर्नल ऑफ नेचुरल साइंसेस, ठीक है, प्रोसीडिंग्स हैं, तो ये कोई कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, मगर ये कोई मुझे अच्छा जर्नल नज़र नहीं आ रहा, और ये गुड वर्किंग पेपर सीरीज है, ये भी कोई काम मुझे इस तरह का नहीं लग रहा। इस तरीके से इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एकेडमिक रिसर्च एंड बिजनेस एसोसिएशन, ये जर्नल भी मुझे कोई काम का अच्छा नहीं लग रहा। ये जितने भी ये इंटरनेशनल जर्नल टाइप ये चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारे लोकल जर्नल हैं, ठीक है, ये मैं देख रहा था। अब प्रॉब्लम ये है कि यकीनन हमारे पास इशू होता है,
ये देखें एक और इशू आ रहा है, ये जर्नल ऑफ एडवांस नर्सिंग का। अब इसमें ये होता है कि ये ए जो है बड़ा होना चाहिए, हर जर्नल नेम में हर वर्ड जो है उसका नाम जो है उसका पहला हर्फ जो है वो बड़ा होना चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा। इसका आसान हल तो ये है कि हम यहाँ से स्टाइल्स में से लिस्टों में से जाके चेक करते हैं टूल्स में से, और अगर वो नहीं है ये टर्म लिस्ट में से चेक करते हैं। ये देखें ये जनरल टर्म लिस्ट है, इसमें से जाके हम ये जनरल का नाम चेक करना होता है, जनरल ऑफ एडवांस नर्सिंग। तो कहाँ पे आएगा जनरल ऑफ ये, ठीक है ये एडवांस नर्सिंग तो यहाँ पे फुल है, मगर मेरे पास चूँकि आपकी ये जो है टर्म लिस्ट जो है इसमें ये मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहा, ये शायद आपकी ट्रैवलिंग लाइब्रेरी में सेव की हुई है इस वजह से फुल नहीं आ रहा, तो ये हमें करना पड़ेगा। मैंने ये यहाँ से रिमूव कर दिया, और ये देखें जैसे ही मैं ख़त्म करूँगा तो ये रेट जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है मैंने चेक कर दिया। तो इस तरीके से आपने ये भी चेक करना है, ये जैसे जनरल ऑफ बिजनेस साइकोलॉजी है ये अच्छा जनरल है, बुरा नहीं है, मगर ये है कि हमने ठीक करना पड़ेगा। तो इसमें काफ़ी सारे और जनरल मुझे, अब ये देखें पर्सनल साइकोलॉजी ये यूँ लिखा हुआ है, और ये यूँ लिखा हुआ है, मैं देखता हूँ यहाँ से मैं टर्म लिस्ट में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। ये लेबॉरेटरी एंड डायग्नोसिस, ये मुझे तो ये अच्छा जनरल टाइप नहीं लग रहा, पता नहीं क्या है ये। तो ये हैंडबुक है, जनरल आर्टिकल नहीं है, ये हैंडबुक है, पाकिस्तान बिजनेस रिव्यू लोकल जर्नल है, अच्छा है, बुरा नहीं है। ये नेम भी इसी तरह करने, तो रेफरेंस आप ठीक कर दें आप और मेरे खजाना मिल के, तो बाकी तो मैंने कर दिया है अलहमदिल्ला।